बच्चन परिवार में इन दिनों कला की खबरों से पूरा बाजार गर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या ससुराल से नाराज चल रही हैं। उन्होंने ससुराल से इस वक्त दूरियां बनाई हुई हैं। पिछले दिनों ऐश्वर्या ने अपना 50वां जन्मदिन बेटी आराध्या और माँ के साथ मनाया था। इस फंक्शन से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों गायब रहे, यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन भी इस सेलिब्रेशन में नजर नहीं आए। पिछले लंबे समय से ऐश्वर्या राय किसी भी इवेंट में बिना अभिषेक के ही जा रहे हैं। अब परिवार की कलह के बीच बिग बी ने चुप्पी तोड़ी और बहू ऐश्वर्या की चर्चा की है। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में रणदीप हुड्डा पहुंचे थे। बिग बी ने उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की और कहा कि रणदीप, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी कई फिल्में देखी और उन सभी में आपने शानदार एक्टिंग की है। रणबीर, आपने ऐश्वर्या के साथ एक फिल्म की थी सरबजीत, जो रियल लाइफ पर बनी है, जिसमें वो गलती से सीमा पार कर जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोषी ठहराया जाता है। फिल्म में आप देखते हैं कि रणदीप एक कोठरी में छुपे हुए हैं और वहां उन्हें बुरी स्थितियों में रहना पड़ता है। अमिताभ ने इस बातचीत में ऐश्वर्या का जिक्र किया। इसके बाद से माना जा रहा है अमिताभ और ऐश्वर्या के रिश्ते बिल्कुल ठीक है। हालांकि फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि बिग बी ने ऐश्वर्या की फिल्म की चर्चा की है, ना कि उन्होंने ऐश्वर्या की तारीफ की। ऐश्वर्या और बच्चन फैमिली की अनबन की खबरें तो उसी समय सामने आने लगी थी जब ऐश्वर्या अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन अकेले अकेले करती नजर आई। उस सेलिब्रेशन में अमिताभ और जया नहीं थे। हाल ही में ऐश्वर्या मनीष मल्होत्रा की पार्टी में भी अकेले पहुंची थी। फिलहाल आपको क्या लगता है, बच्चन फैमिली और ऐश्वर्या के बीच क्या चल रहा है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।